हजार वोटों से तय नहीं हो सकता प्रदेश का मिजाज। खरगोन में आसाराम समर्थकों की गुंडागर्दी, ग्रामीण को दी जान से मारने की धमकी, पीड़ित की जमीन पर कब्जा कर बनाया गया आश्रम। प्रियंका यादव बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आसाराम के खरगोन आश्रम के खिलाफ मोर्चा खोलना एक युवक को महंगा पड़ गया। अब युवक को जान से मारने की धमकी दी जा रही है, जिसकी शिकायत युवक ने एसपी से की है। महाराजा ग्राम पंचायत में बना आश्रम गांव की जमीन को अतिक्रमण करके बनाया गया है, जिसके खिलाफ ग्रामीण युवक मनोज रावल ने मोर्चा खोला था। युवक को जान से मारने की धमकी मिलने के बाद पुलिस ने शिकायत दर्ज करके कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। तो अतिक्रमण करके बनाया गया था आसाराम का ये आश्रम, और इसी आश्रम के खिलाफ मोर्चा खोलना युवक को अब महंगा पड़ रहा है, क्योंकि युवक को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। आपको बता दें कि महाराजा ग्राम पंचायत में ये आश्रम बना हुआ है, गाँव की ही ये जमीन थी, और गाँव की जमीन पर पहले अतिक्रमण बनाया गया, उसके बाद यहाँ पर एक आश्रम बना दिया गया। अब जैसे ही ये युवक आगे आया है, मोर्चा खोला है इस आश्रम के खिलाफ, तो अब आसाराम समर्थकों ने युवक को जान से मारने की धमकी देना शुरू कर दिया है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे संवाददाता फरीद शेख से। फरीद, ये पूरा मामला आपसे जानना चाहेंगे, कब ये आश्रम बनाया गया था, कब गाँव की जमीन पर अतिक्रमण किया गया था आसाराम की तरफ से? जी बताइए कि ये आश्रम तो काफी समय पुराना बना हुआ, लेकिन जो प्रारंभिक स्तर हम देखते हैं कि कहीं भी तो जब धार्मिक स्तर पर आश्रम वगैरह बनते हैं तो उसमें लोग धार्मिक आस्थाओं से जुड़े चले के चलते, कोई इसमें रुकावट नहीं आती। लेकिन अभी फिलहाल जो स्थिति देख रहे हैं कि आश्रम के आश्रमों का जो भंडाफोड़ हो रहा है, जो उनकी जो स्थिति बनी, इसके चलते यानी कि इस स्तर पर जो अतिक्रमण हुए हैं उसको लेकर लोग अब धीरे धीरे बाहर आने लगे। यही माजरा मेहरजा ग्राम पंचायत के अंतर्गत जो एक आश्रम बना है उसको लेकर भी सामने आया है। कुछ अन्य लोगों को भी ऐसी जानकारी मिली जिनकी जमीन इस टाइम पर है, उनके पास रजिस्टर्ड है, लेकिन फिलहाल वो इस मामले में सामने आने से कतरा रहे। एक ग्रामीण युवा जो मनीष रावल करके हैं, इन्होंने अभी हाल ही में शिकायत की थी जिला कलेक्टर को कि इस आश्रम में जो जमीन है उसमें काफी अतिक्रमण किया हुआ है और इसकी जाँच कर रहा है, इसकी नापतोल किया जाए। लेकिन शिकायत करने के मात्र दो दिन बाद ही उसको अपनी जान का अंदेशा होने लगा है। जो साधकों के द्वारा इसके खिलाफ जो बातचीत की जा रही है उसके जब जानकारी मिली थी, इसके चलते उससे कहीं ना कहीं इसका डर लगने लगा है, और इसी डर से चलते उन्होंने शिकायत भी की एसपी ने, और एसपी सामने उन्होंने पूरा आश्वस्त किया है कि आप किसी तरह से डरे नहीं, और इसमें जो भी कार्रवाई होगी, जो राजस्व के द्वारा की जानी है, जो पुलिस विभाग के द्वारा की जानी है, वो यथासंभव की जाएगी। जी फरीद, वो कौन लोग हैं जिन्होंने युवक को जान से मारने की शिकायत की, जान से मारने की धमकी दी है? क्योंकि एसपी से भी इस पूरे मामले की शिकायत की गई है, क्या उन लोगों की पहचान हो पाई है? जी फिलहाल इस तरह से तो हमें सामने आया है, लेकिन जो अंदरूनी स्तर से जो उस युवक को जो जानकारी मिली है, उनके पास में उसके ग्राम के ठीक पास में आश्रम बना हुआ है, वहाँ के जो साधक है जो अंदर रहते हैं, हालांकि अधिकांश साधक वहाँ देखने वाले बाहर के निवासी है, स्थानीय स्तर के लोग वहाँ पे नहीं रहते हैं, और इन लोगों के बीच में जो जब वहाँ पे जा भी रहे हैं, अगर कोई देखने के लिए भी जाते हैं या मीडिया पर्सन भी जाते हैं, तो उन लोगों को अंदर जाने से रोका जा रहा है। हालांकि इस मामले को सबसे पहले बंसल न्यूज ने ये हाईलाइट किया था, उसके बाद भी कुछ लोग आगे आ रहे हैं इस चीजों की शिकायत को लेकर। चलिए फरीद शेख, आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल पीड़ित युवक मनोज रावल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, क्या शिकायत आपकी तरफ से की गई है एसपी को, ये सबसे पहले आप बताएं। जी प्रियंका जी, मेरी ओर से शिकायत की गई थी 17 तारीख को जन सुनवाई में, माननीय कलेक्टर महोदय को दिया था हमने जी। उसमें मेरी शिकायत ये थी कि आसाराम आश्रम की जो भूमि है उसकी नाप किया जाए और अतिक्रमित भूमि को मुक्त कराया जाए। जी जी, मनोज, और कब से ये अतिक्रमण किया गया है जमीन पर, कब से आश्रम बना हुआ है? आश्रम तो प्रियंका जी लगभग ये मान के चलो कि उसको मैं 20 साल से तो मैं स्वयं भी देख रहा हूँ उसको। जी, और जब आपकी तरफ से शिकायत की गई तो धमकियां भी मिली हैं आपको? धमकियां नहीं मिली। परसों जैसे ही मैंने किया था इसकी कार्रवाई की थी, तो वहाँ पर मुझे सूत्रों से पता चला था कि वहाँ पर बैठकें ली जा रही है और मेरे खिलाफ रणनीति बनाई जा रही है, और उसी को लेकर कल एसपी साहब को हमने ज्ञापन दिया है और आश्वस्त किया हमने सुरक्षा के लिए। जी, तो ये आश्रम के ही संचालक और आश्रम के ही लोग हैं जो ये रणनीति बना रहे हैं, जो भी आपको सूचना मिली है कि आपके खिलाफ ये रणनीति बनाई जा रही है? हाँ हाँ, वो आश्रम के ही लोग हैं और उनके साधक लोग हैं। चलिए, और शिकायत आपने अब की है एसपी को इन लोगों के खिलाफ भी, क्या आश्वासन आपको मिला है? आश्वस्त किया हम सुरक्षा देंगे, आप निश्चिंत होकर अपना काम निरंतर जारी रखें। चलिए, बहुत शुक्रिया मनोज रावल हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे संवाददाता फरीद शेख लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। फरीद, अतिक्रमण की भी यहां पर बात है, क्योंकि अतिक्रमण करके ये पूरा आश्रम बनाया गया है, एसपी ने क्या कुछ आश्वासन दिया है, कब तक ये अतिक्रमण हटा दिया जाएगा?
जी बिल्कुल तर्जुमा की अभी फिलहाल इसमें वजन के लिए केवल इन्हें जान सुरक्षा की बात कही है। वहीं जो इस संबंध से जिला कलेक्टर से मेरी चर्चा हुई तो उनका ये कहना है कि हम शीघ्र इसके नाप करवाएंगे और जो वस्तु स्थिति है उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे। यहाँ पे मैं एक चीज और खुलासा करना चाहूंगा कि जब संस्था के अध्यक्ष हैं, जो समिति के अध्यक्ष है, जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष हैं, ये बिकल गाँव के, उनसे जो चर्चा करने कई बार प्रयास किया लेकिन वो हर बार उनसे दूर रहते हैं। और मूल रूप से जो सामने वाली जानकारी है उसमें 7 एकड़ जमीन खरीदी की बात बता रहे हैं लेकिन 20 से 25 एकड़ में ये आश्रम बना होने की बात सामने आ रही है। इसमें एक और बहुत आश्चर्यजनक चीज मैं बताना चाहूंगा उसमें कि एक ग्रामीण यात्री के विभाग के द्वारा यहाँ पर एक तालाब का निर्माण किया गया है जिसमें आज भी इतनी बारिश होने के बावजूद एक बूंद पानी नजर नहीं आ रहा है। 10 से 15 लाख की लागत से बना ये तालाब, कहने का ये भी उस जात के घेरे में आता है कि ग्रामीण यात्री के विभाग के द्वारा इस तालाब का निर्माण हुआ किस किस उद्देश्य को लेकर किया गया या क्या किसी निजी व्यक्ति से लाभ देने के लिए किया गया, लेकिन किया भी गया तो इतनी बड़ी राशि का दुरुपयोग क्या मामला सामने आएगा और जो संबंधित अधिकारी जो विभाग के आला अधिकारी उन पर भी कार्रवाई। बिल्कुल, किन लोगों को लाभ देने के लिए इसका निर्माण किया गया है, बहुत से ऐसे मामले धीरे धीरे सामने आते जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया फरीद शेख हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो धीरे धीरे भंडाफोड़ होता जा रहा है। एक नया मामला खरगोन में सामने आया है जहां पर अतिक्रमण करके आसाराम का एक आश्रम बनाया गया। अब एक युवक ने आगे बढ़कर चुनौती ली है और इस आश्रम के खिलाफ जब कार्रवाई की मांग एसपी से की जनसुनवाई में जाकर तो अब उसे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। हालांकि एसपी ने आश्वासन दिया है कि इस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।